हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जैनिज्म के काउंसिल्स, फाउंडर कौन थे, वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में, लिटरेचर, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो बस आप पेपर पेन उठाएं और नोट्स बनाना जल्दी से स्टार्ट कर दें। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जैनिज्म के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाउंडर कौन थे। ठीक है, जैनिज्म के, जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो इट वॉज फाउंडेड बाय ऋषभनाथ। जो ऋषभनाथ थे वो इसके फाउंडर हैं, इसके संस्थापक माने जाते हैं। टोटल 24 तीर्थांकर्स हैं। तीर्थांकर्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स या गुरुज। ठीक है, ऑल क्षत्रिय, जितने भी थे ये 24 गुरु या 24 तीर्थांकर, ये सभी के सभी क्षत्रिय थे। अब 24 थे तो हम 24 के 24 के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमें पता होना चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि फाउंडर हैं ऋषभनाथ, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनका एम्बलम क्या था? बुल। एम्बलम मतलब कोई चिन्ह, कोई सिंबल जिससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता हो, तो वो था बुल। एंड हिज रेफरेंस इज़ इन ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेद में मेंशन है ऋषभनाथ का। तो याद कैसे रखना है, आर आर करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बट नो हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द फर्स्ट 22 तीर्थांकर्स। अब ऋग्वेद में बेशक जिक्र है ऋषभनाथ का, लेकिन हिस्ट्री के लेवल पे, इतिहास में अगर हम बात करें, तो कोई मेंशन नहीं मिलेगा आपको पहले 22 तीर्थांकर्स का। हिस्ट्री में जो हमें मेंशन मिलता है वो है 23rd एंड 24th तीर्थांकर का, राइट। तो हम 23वें और 24वें तीर्थांकर के बारे में ही पढ़ेंगे। जो 23rd तीर्थांकर थे वो थे पार्श्वनाथ, राइट। इनका एम्बलम क्या था? स्नेक। सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस, बनारस के जो राजा थे अश्वसेन, उनके बेटे थे पार्श्वनाथ। एम्बलम क्या कहा? स्नेक। हिज मेन टीचिंग्स, इन्होंने क्या क्या सीख दी थी वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हम मेन पढ़ते हैं वर्धमान महावीर, उन्होंने भी यही सीख दी थी, बस इसमें एक और ऐड कर दिया था, राइट। तो मेन टीचिंग्स हो गई पार्श्वनाथ की, नॉन इंजरी, नॉन लाइंग, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन। तो आई होप ये समझाने की ज़रूरत नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना एंड चोरी वगैरह नहीं करना, तो वो सब है ये, राइट। 23rd जो तीर्थांकर थे उनके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे 24th तीर्थांकर के बारे में, जो कि कौन थे? वर्धमान महावीर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्धमान महावीर, क्योंकि जैसे ही देखिए बुद्धिज़्म में हमने जाना था कि जो है गौतम बुद्ध हैं या महात्मा बुद्ध हैं, है ना, उनकी लाइफ के बारे में, तो वैसे ही जैनिज़्म में हम बात करते हैं वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में। लास्ट तीर्थांकर थे, एम्बलम था इनका लाइन, ठीक है। नाउ द 24 तीर्थांकर्स वर डिस्टिंग्विश्ड विद ईच अदर बाय देयर एम्बलम्स। जो ये 24 तीर्थांकर थे, ये एक दूसरे से अलग अलग किए जाते थे, सेपरेट किए जाते थे, या इनकी अपनी अपनी पहचान थी इनके एम्बलम्स, इनके चिन्ह, इनके सिंबल्स, इनके संकेतों की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैन्स। जो जैन लोग थे इनका धार्मिक ग्रंथ है कल्पसूत्र। जैसे अगर हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुओं की बात करें, भगवद्गीता, रामायण, महाभारत, ये हमारे पवित्र ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। वैसे देखिए हर एक धर्म का अलग अलग होता है, ठीक है। जो ये मुस्लिम होते हैं इनका कुरान है, जो क्रिश्चियंस होते हैं इनका बाइबल है, तो वैसे ही जो जैन है इनका है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में क्या बताया गया है? इट मेंशंस द लाइफ स्टोरीज ऑफ 24 तीर्थांकर्स। जो ये 24 तीर्थांकर थे इनकी लाइफ के बारे में बताया गया है कल्पसूत्र में, राइट। इट मेंशंस द फर्स्ट तीर्थांकर टू बी ऋषभनाथ। कल्पसूत्र में कहा गया है कि जो पहले तीर्थांकर थे वो थे ऋषभनाथ। हमने अभी ये स्टार्टिंग में भी यही पढ़ा कि जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? ऋषभनाथ थे, ठीक है। उनका एम्बलम क्या था? हमने जाना बुल था, और उनका रेफरेंस जो है ऋग्वेद में भी है। अब थोड़ा सा और बताया गया है ऋषभनाथ के बारे में, वो जान लेते हैं। सेट टू एग्जिस्ट बिफोर IBC। ऐसा माना जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले ये एग्जिस्ट करते थे, समझ रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से 1750 BC के आसपास थी, तो ये उससे भी पहले बिलोंग करते थे। आप समझ रहे हैं कितनी पुरानी बात हो रही है। यहाँ पे एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगी, AD BC का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। देखिए, अगर आपको नहीं पता तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, एंशंट में तो कुछ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि AD BC का कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, तभी आपको टाइमलाइन समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा 2500 से हम 1750 BC में कैसे पहुँचे। 2500 से हम 2600, 2700, 2800 आगे पहुँचने चाहिए थे, तो ये कंसेप्ट आपको BC AD का क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बात बनेगी। फाइन, हम बात कर रहे थे कि ऋषभनाथ जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले एग्जिस्ट करते थे। इन भगवत पुराण ही इज़ रेफर्ड टू एज लॉर्ड विष्णु। भगवत पुराण में इनको भगवान विष्णु का दर्जा दिया गया है। एक और बात है इनके बारे में जो यहाँ पे बताई गई है, दैट इट इज़ बिलीव्ड दैट द नेम ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज इंस्पायर्ड बाय हिज डॉटर्स नेम। कि जो
नाम है ना, हम कहते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, तो जो भी स्क्रिप्ट्स हैं इसमें जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ऐसा माना जाता है कि ये नाम जो है उनकी बेटी के नाम से इंस्पायर हुआ है। मतलब ऋषभनाथ जो थे इनकी बेटी का नाम ब्राह्मी होगा, तभी स्क्रिप्ट का नाम ब्राह्मी रखा गया। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। हमने उनका रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ा, हमने जाना 23rd 24th तीर्थांकर कौन से हैं, हमने जाना फाउंडर कौन था, उनका एम्बलम जाना, काफ़ी कुछ हमने फर्स्ट पेज में कवर कर लिया है। तो आई होप जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मोटिव यही है कि आपको बेस्ट नोट्स मिल सकें, आपको अच्छी तरह से अपने बेस्ट तरीके से मैं समझा सकूँ, मेरी कोशिश यही रहती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि जो भी मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लस आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे, राइट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वर्धमान महावीर के बारे में, राइट, जो कि 24 तीर्थांकर थे। सो इनके लाइफ के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनके फादर मदर, इनकी मैरिज, फिर ये घर छोड़ के चले गए, सेम स्टोरी है इनकी और जो गौतम बुद्ध थे उनकी, डिफरेंस फिर थोड़ा सा इनकी लोकेशंस में आता है ना, बाकी सब सेम ही स्टोरी है इनकी, कैसे इन्होंने हार्डवर्क किया एंड ऑल। सो वर्धमान महावीर इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ही वॉज बॉर्न इन कुंडाग्रामा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर बिहार इन 540 BC। 540 BC में कुंडाग्राम यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट था मुजफ्फरपुर का, वहाँ पे एक जगह है कुंडाग्राम, वहाँ पे बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर की बात करें तो इनका फादर का नाम था सिद्धार्थ। बुद्धिज़्म में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ही वॉज द हेड ऑफ जनांत्रिका क्लान, यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन से क्लैन से वो बिलोंग करते थे, तो जनांत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। हिज मदर, इनकी जो माँ थी त्रिशला, ठीक है, शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी प्रिंस चेतक ऑफ वैशाली। वैशाली के जो प्रिंस थे चेतक, उनकी बहन थी लिच्छवी, उनका क्लैन था, ठीक है। ही वॉज मैरिड टू यशोदा, यशोदा से इनकी शादी हुई थी। इनकी एक डॉटर थी प्रियदर्शना, और जो गौतम बुद्ध थे उनका बेटा था राहुल, है ना। सो प्रियदर्शना जो है इनकी डॉटर थी, हुज हस्बैंड जामली बिकेम हिज फर्स्ट डिसिपल। तो पहले शिष्य जो वर्धमान महावीर के बने वो थे इनके सन इन लॉ यानी इनके दामाद जामली, ठीक है। सो जब 30 ईयर्स के ये हुए, डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स बिकेम एसेटिक, इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जब ये 30 साल के हुए थे, उस टाइम पे ये बिल्कुल सन्यासी बन गए थे। एंड इन दी 13th ईयर ऑफ हिज एसेटिज्म, जब 13 साल हो गए थे इनके सन्यास काल को, देन ऑन द 10th ऑफ वैशाखा, वैशाख के 10वें दिन, जिम्पिक ग्राम शहर के बाहर इन्हें सुप्रीम नॉलेज अचीव हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता है। जब हमने गौतम बुद्ध का केस पढ़ा था वहाँ पे उन्हें जब एनलाइटमेंट अचीव हुई थी उसे क्या कहा जाता था, निर्वाण, तो इसे क्या कहा जाता था, कैवल्य, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे हिज फर्स्ट सर्मन, इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ पे था, वो था विथुलांचल पर्वत में राजगीर मगध में। नाउ फ्रॉम नाउ कॉल्ड जैना और महावीर, अब जब इन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसके बाद से इन्हें महावीर कह के बुलाया जाने लगा, जैना कहकर बुलाया जाने लगा, ठीक है। एंड हिज फॉलोअर्स जैन्स, और जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें जैन्स कहा जाता था। ही ऑल्सो गॉट द टाइटल ऑफ अरिहंत, अरिहंत का टाइटल इनको मिला, दैट इज़ वर्दी। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, देखिए नोट्स बनाने में इधर उधर से कंटेंट चेक करना, फिर बीच में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, फिर एडिटिंग करनी पड़ती है यहाँ पे नोट्स में, बट मैंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, या फिर आपको पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लग रहा है थ्रू हैंड रिटन नोट्स या नहीं लग रहा है। अगर आप कोई और मोड चाहते हैं तो मैं उस तरह से भी पढ़ा सकती हूँ। एंड देखिए इसमें ना समझने वाला कुछ है नहीं, इसमें सारी कहानी है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता, उनके पिता, उनकी शादी हुई, उनके दामाद उनके पहले शिष्य बने, फिर उनके माता पिता की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया, संन्यास काल का 13वां साल था, उनको जो है सुप्रीम नॉलेज मिली, पहला उपदेश कहाँ दिया, सब कुछ कहानी जैसा है। इसमें कुछ याद करने, इवन याद करने वाला ही, समझने वाला तो कुछ है ही नहीं, है ना। सो एट द एज ऑफ 72 अटेंड डेथ नियर पटना इन 468 BC। जब ये 72 ईयर्स के हो गए तो इनकी डेथ हो गई थी पटना, पटना कहाँ है, बिहार में, 468 BC में। ही प्रीच्ड ऑलमोस्ट सेम मैसेज एज पार्श्वनाथ एंड एडिड वन मोर टू इट, दैट इज सेलिबेसी और ब्रह्मचार्य। अब इन्होंने जो देखिए जो पार्श्वनाथ ने, मैंने आपको बताया था ना कि मैसेज दिया है नॉन लाइंग, नॉन पोजेशन, नॉन स्टीलिंग, वो सब कुछ इन्होंने भी सेम ही दिया, बस इन्होंने एक ऐड कर दिया उसमें सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचार्य, ठीक है। सो जब इनकी डेथ हुई, किसकी डेथ, महावीर की डेथ, रियान थी चंद्रगुप्त मौर्य की, मतलब उस टाइम पे राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनका काल चल रहा था, उनका शासन चल रहा था। उस टाइम पे क्या होता है, फेमाइन यानी अकाल पड़ता है। ये क्वेश्चन आता है कि जब अकाल पड़ता है तो वर्धमान महावीर की जिस टाइम डेथ हुई तो उस टाइम पे कौन थे राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको याद रखना है।
अकाल पड़ता है, तो अकाल पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत बड़े चेंजिंग्स हो जाते हैं। यहाँ पे जैनिज्म दो सेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है इस अकाल की वजह से। अ ग्रेट एक्सोडस ऑफ जैन मॉन्क्स फ्रॉम गंगा वैली टू दक्कन। अब होता क्या है, जो जैन मॉन्क्स हैं, अब यहाँ पे तो अकाल पड़ गया, खाने पीने की कमी आ गई, तो वो गंगा वैली से शिफ्ट होने लगे दक्कन की तरफ। गंगा वैली मतलब गंगा नदी के आसपास के जो तट थे वो काफ़ी फर्टाइल माने जाते हैं, राइट। तो वहाँ से लोग जो हैं वो शिफ्ट होने लगे, जो जैन मॉन्क्स थे वो शिफ्ट होने लगे, उनके वहाँ खाने पीने की कमी हो गई, तो वो दक्कन यानी साउदर्न इंडिया की तरफ आने लगे। दक्कन के बारे में भी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, दक्कन का पठार पढ़ चुके हैं, दक्कन के बारे में और भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। सो गंगा वैली से वो दक्कन की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से ग्रेट सेपरेशन हो गया और टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के दो सेक्ट्स का जन्म हुआ, ठीक है। अब इन सेक्ट्स का नाम सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहला था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। मतलब कुछ लोग दक्कन की तरफ शिफ्ट हो गए, कुछ गंगा वैली में ही रह गए, ठीक है। तो बस अब गंगा वैली में रहने वालों का अलग सिस्टम हो गया, उनकी अलग फॉलोइंग हो गई, दक्कन में रहने वालों की अलग फॉलोइंग हो गई, जिसकी वजह से दो सेक्ट्स बन गए। दिगंबर्स की बात करें तो ये थे वो जो शिफ्ट हो गए, मैसूर कर्नाटका साइड शिफ्ट हो गए थे। इन्हें स्काई क्लैड कहते थे, दैट इज़ नेक्ड। तो ये ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, जो भी ज़रूरी वस्त्र हैं वही पहनते थे। लेट द एमिग्रेंट्स, मतलब जो लोग शिफ्ट हुए दक्कन की तरफ वो लोग थे ये। लीडर थे इनके भद्रबाहु, ठीक है। इंसिस्टेड ऑन द रिटेंशन ऑफ न्यूडिटी, मतलब एक्स्ट्रा कपड़े नहीं पहने हैं, जितनी ज़रूरत है उतने ही पहने हैं, न्यूडिटी पे फोकस करना है, ये इनका जो है फोकस था। बस क्वेश्चन ये आता है कि जो शिफ्ट हुए दक्कन की तरफ उन्हें क्या कहा जाता है, दिगंबर कहा जाता है, स्काई क्लैड थे, लीडर कौन था, भद्रबाहु, एरिया मैसूर कर्नाटका, ये क्वेश्चन आता है। सेकंड आगे श्वेतांबर, श्वेतांबर्स कौन से होते हैं, जो वाइट क्लैड होते हैं। वाइट क्लैड का मतलब क्या है वो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। इनके लीडर थे स्थूल भद्रा, लीडर कौन थे, स्थूल भद्रा। दे रिमेन्ड इन नॉर्थ, ये नॉर्थ में रहे, नॉर्थ में मतलब गंगा वैली के आसपास ही रहे, ये शिफ्ट नहीं हुए। अलाउड हिज फॉलोअर्स टू वियर वाइट गारमेंट्स, इन्होंने अपने फॉलोअर्स को अलाउ किया कि आप सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं, तभी इसे वाइट क्लैड कहा जाता है। श्वेत मतलब वाइट, वाइट मतलब वाइट गारमेंट्स पहन सकते हैं। वाइट गारमेंट्स कहाँ पहन सकते हैं, नॉर्थ में, तो आप वैसे याद रख सकते हैं, दिगंबर्स, भद्रबाहु जो मैसूर कर्नाटका चले गए, श्वेतांबर्स, वाइट क्लैड, स्थूल भद्रा जो मगध यूपी में ही रहे। टू सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, दिगंबर एंड श्वेतांबर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जो भी था वर्धमान महावीर के बारे में इंपॉर्टेंट सी चीज़ें मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा है। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, अभी कुछ टाइम से ऐसा हो पा रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ आपको रिप्लाई मिल जाते हैं मेरे, है ना। तो देखिए, बहुत ही स्टोरी बेस्ड मैं नोट्स लेकर आती हूँ, तो मेरी बस मेरी ये मोटिव रहता है हमेशा कि मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ, आपके अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ, या फिर अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ, या फिर कोई एक आधा टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, उसमें हम पढ़ेंगे कि जो वर्धमान महावीर थी उनकी टीचिंग्स क्या थी, त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म पढ़ेंगे, जैन्स की जो काउंसिल्स हुई थी, दो काउंसिल्स हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो वो टोटल फोर थी, इस तरह से हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, राइट। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देती हूँ, हम जैनिज्म पढ़ रहे थे, राइट। उसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन समझा कि कितने तीर्थांकर थे, तीर्थांकर्स कौन होते हैं, वर्धमान महावीर कौन थे, राइट। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में वर्धमान महावीर की लाइफ के बारे में पढ़ा कि उनके फादर कौन थे, सिद्धार्थ थे, उनकी मदर कौन थी, त्रिशला थी, उनकी वाइफ यशोदा, ये सब। तो हमने उनकी लाइफ के बारे में जाना कि कब उनको एनलाइटमेंट अचीव हुई एंड ऑल। सो आज हम जानेंगे कि उन्होंने हमें क्या सीख दी थी, टीचिंग्स क्या थी उनकी, ठीक है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में कहती हूँ, आज भी वही कहूँगी, पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स आपकी एंटायर प्रिपरेशन में, क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी वाला सफ़र होता है ना, ये थोड़ा लंबा होता है, तो इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है, फोकस्ड रहना है, प्लस आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए जिन्हें आप बार बार रिवाइज कर सकें, राइट। सो फटाफट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे हैं टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दैट ही रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। हम देखिए, हिंदुइज्म में क्या मानते हैं कि वेद जो हैं वो वेद पुराण, इनको बहुत सुप्रीम माना जाता है, लेकिन वर्धमान महावीर ने इनकी अथॉरिटी इतनी इनकी एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन उठा दिया था, तो वो इन्हें नहीं मानते थे, इनमें जो कुछ भी लिखा था उसे नहीं मानते थे। डू नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, जो सेक्रीफाइस देते हैं, बलि देते हैं, सुना होगा ना, किसी की जान की बलि देते हैं, तो इस सब चीज़ों को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, राइट। ही रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल और सुप्रीम पावर। हम कहते हैं ना कि एक यूनिवर्सल, एक
दिव्य शक्ति है, हम कहते हैं दिव्य शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है, या कोई सुप्रीम पावर है, कोई ऊपर बैठा है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, हम ऐसा कहते हैं ना। बट उन्होंने इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, राइट। ही रिफ्यूज़ टू गिव गॉड्स एनी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन यूनिवर्स स्कीम। ये जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, जो हमारी पूरी दुनिया है, इसमें भगवान को, गॉड को वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं देते थे। डिड नॉट डिनाई देयर एग्जिस्टेंस, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते थे कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो मानते थे कि गॉड एग्जिस्ट करते होंगे, बट उन्होंने कोई इंपॉर्टेंट होता ना कि बिल्कुल टॉप पावर, हम क्या करते हैं अपने दिल में भगवान को सब कुछ मानते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना था, ठीक है। गॉड्स वर प्लेस्ड लोअर देन जिन्ना, भगवान जो है उनको जिन्ना से नीचे कम का आंका गया था। जिन्ना कौन थे? वर्धमान महावीर। और जैंस कौन होते थे? उनके फॉलोअर्स, राइट। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल कहते हैं ना, सार्वभौमिक रूप पे भाईचारा, इस चीज़ पे वो बहुत विश्वास करते थे। नॉन बिलीफ इन कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, उच्च जाति, नीच जाति, इस चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, राइट। अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन, सेल्वेशन होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना, यहाँ लिखा भी है मोक्ष, अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन बाय बिलीविंग इन पिनेंस एंड डाइंग ऑफ स्टार्वेशन, भूख से मर जाना, उसके थ्रू मोक्ष प्राप्त करना, इस चीज़ पे वो फोकस करते थे कि अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें मार दो, हमें ये खाना है, ये पीना है, सुंदर दिखना है, परिवार के साथ रहना है। जब आप अपनी इच्छाओं को मार दोगे ना, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मेन डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है, दोनों में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल अलग बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट ही ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना, किसी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को बिल्कुल भी आपकी वजह से चोट नहीं आनी चाहिए, ये उनका फंडा था। ही बिलीव दैट एवरी ऑब्जेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पोजेसेज अ सॉल एंड इज एंडोर्ड विद कॉन्शियसनेस। उनका मानना था कि छोटी से छोटी कोई चीज़ है, उसमें भी जान है, आत्मा है, तो हमें उससे जो है हर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे उनके हिसाब से जो पेड़ पौधे होते थे, जैसे ये हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, बट जो पेड़ पौधे होते थे उनसे पत्ते नहीं तोड़ने हैं, फूल नहीं तोड़ने, सब्जियां नहीं तोड़नी, क्योंकि उनमें भी जान होती है। अब देखिए, अगर कॉमन आदमी, साधारण सादा सा आदमी सब्जी नहीं खाएगा, फल नहीं खाएगा, तो वो क्या खाएगा, है ना। तो फिर बाद में ये जो है इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ टीचिंग्स पढ़ने की, वो क्या कहते थे हमें वो पढ़ना है। तो वो ये बिलीव करते थे कि हर एक ऑब्जेक्ट में जो है सोल है, आत्मा है, ठीक है, कॉन्शियसनेस है, तो हमें हर एक चीज़ को हर्ट नहीं करना है। हम बात कर रहे थे वर्धमान महावीर की टीचिंग्स के बारे में, अब हम जानेंगे त्रिरत्नास के बारे में। ये क्वेश्चन आता है त्रिरत्नास के बारे में, तो इनको बस आप टिप्स पे रख लें। इसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड द वे ऑफ निर्वाण। आपको अटेनमेंट, एनलाइटमेंट अचीव करनी है, सुप्रीम नॉलेज अचीव करनी है, कैसे करेंगे, इन तीन चीज़ों को फॉलो करो। राइट फेथ, सही चीज़ में विश्वास करो। राइट कंडक्ट, आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो काम है वो सही होने चाहिए। राइट नॉलेज, आपको सही ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं त्रिरत्नास, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। अब देखिए, एट फोल्ड पाथ्स हमने पढ़े थे बुद्धिज्म में, अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा, राइट एक्शन, राइट रिमेम्बरेंस, बहुत राइट कंसंट्रेशन, ये सब कुछ पढ़ा था। तो उसको और इसको मिक्स नहीं करना है, इसमें राइट फेथ, कंडक्ट एंड नॉलेज ही आएगा, ठीक है। सो एक चीज़ और, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और मुझे अभी के अभी फॉलो करें। फाइन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैन काउंसिल्स। जैसे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ी थी कि टोटल 4 काउंसिल्स हुई हैं उनकी, है ना, काउंसिल्स मीन्स मीटिंग्स। तो वैसे ही जो जैन है, जो जैनिज्म, हम धर्म की बात कर रहे हैं, जैन की हम बात कर रहे हैं, जैन काउंसिल्स जो हैं ये 2 बार हुई थी, फर्स्ट काउंसिल एंड सेकेंड काउंसिल। एक हुई थी BC में, एक हुई थी AD में। एक हुई थी इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd century BC, यानी 300 BC, 200 BC के आसपास। एक हुई थी 5th century AD में। तो जो पहली काउंसिल है वो हुई थी पाटलिपुत्रा में, जो दूसरी है वो हुई थी वल्लभी गुजरात में। जो पहली है उसके जो चेयरमैन थे वो थे स्थूल भद्रा, जो सेकंड थी उसके चेयरमैन थे देवराधिकानी। अब दोनों की आउटकम्स क्या क्या रही वो भी आपको पता है, हमें पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट काउंसिल की आउटकम थी दैट इट रिजल्टेड इन द कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास टू रिप्लेस 14 पूर्वास। 12 अंगास को कंपाइल करना है ताकि 14 पूर्वास हैं इनको रिप्लेस किया जा सके। ये था फर्स्ट काउंसिल की आउटकम। सेकंड काउंसिल की आउटकम क्या थी? इट रिजल्टेड इन द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपअंगास। 12 अंग, 12 उपअंग, इनकी फाइनल कंपाइलेशन जो है वो हुई थी सेकंड काउंसिल में।
ठीक है, हम जैनिज्म पढ़ रहे हैं, एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमने जैनिज्म के बारे में जाना कि टोटल कितने तीर्थांकर्स हैं, 24 हैं। फिर हमने जाना कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्धमान महावीर हैं। हमने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, उनके फादर कौन है, मदर कौन है, वाइफ, फिर उन्हें एनलाइटमेंट यानी कि सुप्रीम नॉलेज कैसे अचीव हुई, फिर हमने उनके टीचिंग्स के बारे में जाना। तो आज जो भी रिमेनिंग बचता है जैनिज्म से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, फटाफट से पेपर पेन उठाएँ और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, बिकॉज नोट्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी एंटायर प्रिपरेशन में, राइट? सो देखिए, जैनिज्म में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दैट जैनिज्म रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन चंद्रगुप्त मौर्यास टाइम। सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये कब था? जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, उन्होंने काफ़ी पैटर्नेज दिए, काफ़ी जैन जो है टेम्पल्स, जो भी जैन टेम्पल्स होते हैं वो बनवाए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की, काफ़ी पैटर्नाइज किया। तो ये हाईएस्ट लेवल पे था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। इन कलिंगा ग्रेटली पैटर्नाइज बाय द चेदी किंग खारावेला इन द 1st century AD। कलिंगा की अगर बात करें, वहाँ पे चेदी किंग थे खारावेला, उन्होंने 1st century AD में काफ़ी ज़्यादा पैटर्नाइज किया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया इसको उस टाइम पे। अब जैन लिटरेचर की बात करें, सो इट इज़ इन अर्ध मगधी एंड प्रकृत डायलैक्ट्स। ये आपको अर्ध मगधी लैंग्वेज में मिलेगा, प्रकृत डायलेक्ट में मिलेगा, ठीक है? यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ जैनिज्म मैनी रीजनल लैंग्वेजेस एमर्ज्ड। जैनिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हम कह सकते हैं वो एमर्ज हुई, जैसे कि सूरसेनी है, सूरसेनी से आउट ऑफ विच, अब सूरसेनी से ही मराठी, गुजराती, कन्नड़, राजस्थानी ये सब एमर्ज हुए थे, ठीक है? तो देखिए, आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज में हैं या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, टाइम कंस्टेंट्स हैं, उस केस में इट वुड बी बेटर टू परचेज दीज हैंड रिटन नोट्स। फाइन, हम जैनिज्म में जो भी बच गया था थोड़ा बहुत वो बात कर रहे थे, तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, इसमें कुछ ऐसा सच नहीं है, बट पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस रहे, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे कि जैनिज़्म का जो डिक्लाइन हुआ तो क्या रीजंस रहे कि जैन धर्म जो है इतना पॉपुलर था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, खारावेला के टाइम में, तो एकदम से इसका डिक्लाइन हो गया। तो अब हम रीजंस पढ़ेंगे। पहला है दे टुक द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा सो फार। किसी को हर्ट नहीं करना है, पेड़ पौधों में भी जीवन है, फलों में, सब्जियों में जीवन है, इस चीज़ को, वो अहिंसा को वो इतने दूर तक ले गए ना कि नॉर्मल लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए इस चीज़ को। सेकंड है एडवाइज्ड वन शुड नॉट टेक मेडिसिंस बिकॉज इट किल्स जर्म्स। जैन धर्म कहता था कि हमें दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इसके वजह से जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब जर्म्स को तो मानना ही पड़ेगा अगर हमें खुद ठीक रहना है ना, तो ये चीज़ भी लोगों को सही नहीं लगी। थर्ड आता है बिलीव देयर वॉज लाइफ इन ट्रीज एंड वेजिटेबल्स सो रिफ्रेन फ्रॉम हार्मिंग देम। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि पेड़ पौधों में जीवन है, सब्जियों में, फलों में जीवन है, तो उन्हें हार्म नहीं करना है, ये कहता था जैन धर्म। सच प्रैक्टिसेस कुड नॉट बिकम पॉपुलर अमंग कॉमन मैन। जो कॉमन लोग होते थे, ठीक है, आम आदमी है, उनके लिए तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है, क्या खाएंगे वो पेड़ पौधों से फल सब्जियाँ यही खाएंगे और क्या खाएगा कॉमन आदमी, गरीब आदमी, तो ये चीज़ फिर सही नहीं लगी लोगों, क्योंकि लोगों ने तो ये चीज़ें खानी पीनी थी, दवाइयाँ भी खानी थी अपनी तबीयत ठीक करने के लिए, है ना। नो पैट्रोनेज फ्रॉम लेटर किंग्स। बाद में जो भी राजा है, किसी ने इसे पैट्रोनेज नहीं किया, किसी ने पैट्रोनाइज नहीं किया, किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने पॉपुलराइज नहीं किया, इस वजह से ये फिर जो है वो थोड़ा दब गया और धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हो गया। अब अगर हम आज भी आसपास देखें तो आपको जैन लोग बहुत कम मिलेंगे, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे आसपास, मेरे कॉलेज में, मेरे पड़ोस में, मैंने कभी किसी जैन से, मतलब मेरा किसी जैन से सामना नहीं हुआ है। हाँ, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख भी हैं, बट जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इनको फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, बट बुद्धिज़्म तो फिर भी आपको मिल जाते हैं, जैनिज़्म के बहुत कम रहते हैं, राइट? सो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का, उस लिंक पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पहुंच जाएंगे मेरे अकाउंट पे और वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा जैनिज्म का टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट, हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट हो गया, जैनिज्म कंप्लीट हो गया। अब हम मगध के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट अभी मैं एंशिएंट को थोड़ा पॉज देकर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की सीरीज़ मैंने साथ में स्टार्ट की है उन पर थोड़ा फोकस करूँगी। सो अब कुछ टाइम के लिए एंशिएंट की वीडियोज़ नहीं आएंगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरी वीडियोज़ का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट उन्हें भी मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू फ़ायदा हो। राइट, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it guys, and see you soon.